मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्योंकि तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, क्योंकि तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नहीं चलेगी, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तुम शर्म करो, जूता चप्पल और पिटाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जूता चप्पल और पिटाई, जूता चप्पल और पिटाई, जूता चप्पल और पिटाई, जूता चप्पल और पिटाई, जूता जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से हापुड़ की घटना को लेकर के अधिवक्ता साहब लोग यह प्रशासन का पुतला फूके हैं, उसके संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश द्विवेदी, एडवोकेट है जी। सर, आज जो पुतला फूका गया है वो किस संदर्भ में आप लोगों ने पुतला फूका है? हम लोगों ने आज जो पुतला का दहन किया है वो सरकार का पुतले का दहन किया है, और हापुड़ में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमारे निहत्थियों पर जो शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग के लिए, और उन पर लाठीचार्ज किया गया जिससे काफ़ी अधिवक्ताओं की इतनी ज़्यादा चोटें लगी कि सरकार उनकी कोई सुध ही नहीं ली, यहाँ तक कि उनसे हालचाल लेने नहीं गई। अधिवक्ताओं की कुछ मांग थी जिस मांग का समर्थन हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिया, और उन्होंने 5 मांगों को रखा, और सिवाय एक FIR दर्ज करने का कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं किया गया। और मैं यहां और भी बताना चाहूँगा कि जो FIR दर्ज हुआ पुलिसकर्मियों पर वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ, न कि सरकार के किसी कार्रवाई पे। तो अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित है। अगर अधिवक्ता अपने लिए न्याय नहीं, अपने न्याय के लिए भीख मांग रहा है तो दूसरे को कैसे न्याय दिलाएगा? ये सारी बातों के लिए आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, वो भी बार काउंसिल ऑफ UP के नेतृत्व में। चलिए सर, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार द्विवेदी है, सिविल कोर्ट गोरखपुर। सर, ये जो पुतला फूका गया है उसके बारे में बताइए सर। जी, ये जो घटना आप सुन रहे होंगे, काफ़ी विगत दिनों से 10-15 दिन से जो हड़ताल चल रही है, ये हापुड़ के संदर्भ में चल रही है, और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, कुछ महिला अधिवक्ताओं को घायल किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। जितनी कड़ी आलोचना की जाए उतना कम है, और सरकार पूरी तरह से तानाशाह रवैया अपना रही है। बताइए, मतलब अधिवक्ता को पूछना तो दूर, वहाँ जो हापुड़ जिले के जो DGC महोदय हैं उन्होंने हाल चाल जानने गए तो उनको हटा दिया गया, अब इसको क्या कहेंगे? तो इस हमारी जो मांगे हैं उचित हैं, कहीं से अनुचित नहीं है, देख रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि हड़ताल के वजह से वादकारी हम लोग को सबसे ज़्यादा कष्ट है, जो वादकारी हैं उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए? आखिर हम लोग न्याय की अगर मांग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है कि जो आम जनता है इससे काफ़ी परेशान है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब भी आ रहे हैं कचहरी में वो वापस घूम कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आम लोगों को भी सर झेलनी पड़ रही है। तो सर, इसे कैसे आप देखते हैं?
देखिए हम लोग को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है कि वो अधिकारी कचहरी आते हैं, काफ़ी दूर दराज से आते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन इसके पीछे भी सरकार का ही उत्तरदायित्व है। यहाँ पे अधिवक्ता के ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता अपने खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और वादकारी ही हमारे सच्चे साथी हैं, उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग मैं बताना चाहूँगा, आज सर 15वां दिन है और 15 दिनों से कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो रहे हैं, सारे न्यायिक कार्य जो है वो ठप पड़े हुए हैं, न किसी को बेल मिल पा रहा है, न कोई सुनवाई हो रही है, किसी भी प्रकार का यानी काम नहीं चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता भी आप और प्रशासन के बीच में पिस रही है। निस्संदेह आपका प्रश्न काफ़ी वाजिब है, इसमें जनता का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जनता भी समझ रही है कि निहत्थे अधिवक्ताओं पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, कहीं जब उनको न्याय नहीं मिल पा रहा तो हमको कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो वादकारियों के नुमाइंदे हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम वादकारियों को न्याय कहाँ से दिला पाएंगे। ये सर क्या क्या प्रमुख आपकी जो 5 मांगे हैं वो क्या क्या है सर? सबसे पहले हम लोग की मांग थी कि वहाँ के SP को, वहाँ के CO को, ठीक है, वहाँ से उनको सस्पेंड किया जाए, उनका स्थानांतरण किया जाए, जो घायल अधिवक्ता हैं उनका समुचित इलाज हो, उनको प्रतिकर मुआवजा दिलाया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ठीक, और अधिवक्ताओं के ऊपर जो भी जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं वहाँ तो स्वतः संज्ञान लेकर के उनको त्वरित उनको न्याय दिलाया जाए। कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज पे मैं बताना चाहूँगा कि अत्याचार हो रहा है, जो आप आए दिनों देखने को आपको मिल रहा है, लगातार कहीं गोली चल जा रही है, कहीं कोर्ट के अंदर अधिवक्ता को मार दिया जा रहा है, कहीं कोर्ट परिसर के बाहर निकल रहे हैं तो उन पे प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया प्रशासन अपना रही है समाज के ऊपर। आपका क्या विचार है? अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे शिवम पाटर और आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान।